नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस समय हम आपको लेकर आ गए अपने वाराणसी के बरेका यानी गेट ऊपर में। और दोस्तों यहाँ पर भी दशमी के दिन यानी 12 अक्टूबर को रावण जलाने की तैयारी की जा रही है। और विजयादशमी जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, रामलीला भी यहाँ किया जाता है। और किस तरह से तैयारी की जा रही है अभी से आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहें। देख पा रहे हैं दोस्तों कि यह जो कि खेलकूद का मैदान है बरेका खेलकूद संघ, और इसी मैदान में जो कि आपका रावण जलाया जाता है इस एरिए में। और काफ़ी बड़ा जो कि रावण की तस्वीर बनाई जाती है मूर्ति। दोस्तों यही मैदान है जहां पर कि रावण को जलाया जाता है, और रावण के साथ जो कि कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला जलाया जाता है। काफ़ी ऊंचा जो कि 70 से 80 फीट ऊंचा जो कि बनाया जाता है तीनों लोगों का पुतला, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। और दोस्तों यह जो कि ग्राउंड है यह जो कि बरेका में है, यहाँ देख पाएंगे बरेका खेलकूद संघ है, और इसी में जो कि रामलीला भी होता है। एक तरफ जो कि रावण को जलाया जाता है और एक तरफ रामलीला दर्शाया जाता है, जो कि एक ही दिन में यहाँ पर दोनों विजयादशमी के दिन कार्यक्रम पूरा कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो कि एंट्री लेने के लिए, रामलीला देखने के लिए जो कि पास होता है, ये जो कि बरेका द्वारा यहाँ पर जो कि पास दिया जाता है, जो कि यहाँ पर वर्कर कर्मचारी होते हैं उनको मिलता है, और भी जो भी ज़रूरत होती है जिनको वह लोग अपना जुगाड़ कर लेते हैं। तो आप भी चाहें तो किसी तरह से जो कि यहाँ पर जुगाड़ करके रामलीला यहाँ पर देख पाएंगे। और यह सब जो कि मैदान टोटल भर जाता है और काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है लोगों की। और इसी मैदान में जो कि चारों तरफ से लोग आते हैं, और उस दिन जो कि रास्ता भी जाम पूरा हो जाता है। तो आइए आपको अब दिखाते हैं किस तरह से जो कि तैयारी की जा रही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि यह सब बांस के छोटे छोटे लकड़ी हैं, और इसी सब से जो कि रावण का पुतला तैयार किया जाता है। और इस जगह पर देख पाएंगे जो कि अंकल जी हैं किस तरह से बनाते हुए नज़र आ रहे हैं ये सब काटते हुए। और यहाँ पे जो कि रावण का सर बनाकर तैयार कर दिया गया है कुछ हिस्सा, यह देख पा रहे हैं जो कि रावण का सर होता है किस तरह से बनाकर तैयार कर दिया गया है। ये देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा जो कि होता है रावण का सर, और 70 से 80 फीट ऊंचा जो कि यह पुतला बनाया जाता है, रावण का सबसे ऊंचा पुतला होता है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं और भी हिस्से बनाकर तैयार किए गए हैं, वो भी दिखाते हैं बरेका में किस तरह से जो कि विजयादशमी मनाई जाती है रावण को जलाकर। यह सब जो कि देख पा रहे हैं यह गोंद है जो कि इसी से चिपकाया जाता है, जो कि यह सब लगाए गए हैं कागज के, यह सब लगाए गए हैं, यह सब गोंद से ही चिपकाया जा रहा है। और कुछ हिस्से देख पा रहे हैं यहाँ पर तैयार किए गए हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं यह जो कि ढांचा होता है बनाने का, जो कि पुतला रावण का और कुंभकर्ण मेघनाथ का, किस तरह से यहाँ पर जो कि अभी है सिर्फ बांस के लकड़ी लगाए गए हैं, और इसी तरह से कुछ तैयार कर दिए गए हैं, आपको वह सब दिखाते हैं। और दोस्तों यह जो कि, और दोस्तों देख पा रहे हैं कि यह जो कि ग्राउंड है इसी में तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे देख पाएंगे जो कि किस तरह से नीचे का हिस्सा यहाँ पर बनाया गया है और अभी तैयार किया जा रहा है। और ये सब नीचे देख पा रहे हैं छोटे छोटे जो कि हैं, ये सब सर वगैरह जो कि कहाँ कहाँ ये सब फिट होंगे जो कि बनाने वाले लोग हैं वही जानेंगे। और जो लोग बना रहे हैं उन लोगों का खाने पीने का यहाँ पर देख पा रहे हैं गैस का चूल्हा वगैरह रखा गया है। और ये सब जो कि हाथ वगैरह होते हैं पुतले के, किस तरह से यहाँ पर रखे गए हैं, बनाकर तैयार कर दिए गए, अभी इन्हें पेंट वगैरह करना बाकी है, ये देख पा रहे हैं। यह जो कि बरेका का बास्केटबॉल ग्राउंड है उसी में यह सब तैयार किया गया है, ये देख पा रहे हैं। हर साल इसी तरह से तैयार किया जाता है जो कि इस ग्राउंड में, और यहीं से जो कि लगाया ले जाता है, जो कि आपको ग्राउंड दिखाए हैं
उसी ग्राउंड में लगाया जाता है, और काफी बड़े बड़े जो कि तैयार कर दिए गए हैं, और इसमें कुछ पर पेंट वगैरह करना भी बाकी है, जो कि जैसा कि आपको गोंद दिखाए हैं उसी से चिपकाने के लिए, चिपकाने के बाद जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर इसे तैयार करते हैं। और पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, यह महीने दो महीने पहले से ही कार्य किया जाता है, तभी जो कि रामलीला के समय तैयार हो पाता है। यह देख पाएंगे जो कि मुंह बनाया गया है किस तरह से यहाँ पर है, और इसी तरह से जो कि टोटल बना दिया गया है। यह सब नीचे का हिस्सा है, देख पा रहे हैं किस तरह से। और यह सब जो कि काफी बड़े बड़े साइज में है, जो कि 70 से 80 फीट बनाए जाते हैं, इस वजह से काफी बड़े बड़े हैं, और बड़े बड़े बनाए जाने का कारण जो कि इन्हें ले जाने के लिए क्रेन द्वारा और ट्रैक्टर पर लाद कर इसे ले जाया जाता है इन सब हिस्सों को। और कुछ हिस्सों को तो लोग पकड़कर पैदल ही ले जाते हैं, जो कि 10 से 15 लोग मिलकर, कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं जो कि टोटल तैयार किया गया है। और यह जो कि बास्केटबॉल ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में यह जो कि हर साल तैयार किया जाता है, और इसे तैयार करने वाले लोग महीने दो महीने पहले से ही कार्य करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जा रही है रावण जलाने की और दशहरे की तैयारी, और जो कि रामलीला यहाँ होता है उसकी तैयारी भी दो तीन दिन पहले से ही स्टेज वगैरह सजाए जाते हैं, तो वह भी वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि DLW यानी बरेका में रावण जो कि 12 अक्टूबर को जलाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।